फाइनली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ख़त्म हो चुका है, उसकी एंडिंग सेरेमनी भी अब ख़त्म हो चुकी है और इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, इंडिया कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और किन किन खिलाड़ियों ने अपने नाम ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किया है और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद ही वीडियो को पूरा देखो। कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुए थे और अब 8 अगस्त 2022 को ख़त्म हो चुके हैं। इस साल कॉमनवेल्थ में इंडिया का परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन है, अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की पूरी हिस्ट्री निकालें तो इंडिया 5th नंबर पर स्टैंड करता है मेडल्स ग्रैब करने में। अगर इंडिया के टोटल मेडल्स की बात करें तो इंडिया ने 22 गोल्ड लिए हैं, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स ने किन किन कैटेगरी में अपने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन वुमेन्स में सिंगल में गोल्ड लिया है। दूसरा लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन मेंस में सिंगल में गोल्ड लिया है। तीसरी है निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग वुमेन्स लाइट फ्लाईवेट में गोल्ड लिया है। फोर्थ नंबर पे आते हैं विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग वुमेन्स में फ्री स्टाइल 53 kg में गोल्ड लिया है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं रवि कुमार धैया, रेसलिंग मेंस में फ्री स्टाइल में 57 kg में इन्होंने गोल्ड लिया है। सिक्स नंबर पे आते हैं नवीन, रेसलिंग मेंस में फ्री स्टाइल 74 kg में इन्होंने गोल्ड लिया है। सेवन्थ नंबर पे आते हैं शरद कमाल जो कि टेबल टेनिस मेंस सिंगल में इन्होंने गोल्ड लिया है। एट नंबर पे आते हैं नीतू घंगास जो कि बॉक्सिंग मिनिमम वेट में गोल्ड लिया है। नाइन्थ नंबर पे आते हैं अमित फंगाल जो कि बॉक्सिंग फ्लाईवेट में गोल्ड लिया है। टेंथ नंबर पे आते हैं बजरंग पुनी जो कि रेसलिंग मेंस में फ्री स्टाइल 65 kg में गोल्ड लिया है। उसके बाद आते हैं साक्षी मलिक, रेसलिंग वुमेंस में फ्री स्टाइल 62 kg में गोल्ड लिया है। 12th नंबर पर दीपक पुनिया, रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल में 86 kg में इन्होंने गोल्ड लिया है। 13th नंबर पर है मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग वुमेंस में 49 kg में इन्होंने गोल्ड लिया है। 14th नंबर पर आता है जेरेमी जो कि वेट लिफ्टिंग मेंस 67 kg में इन्होंने गोल्ड लिया है। 15th नंबर पर अचिंता शोली जो कि वेट लिफ्टिंग में मेंस 73 kg में गोल्ड लिया है। 16th नंबर पर आती हैं लवली, पिंकी, नयनोमी, रूपा, ये सारे लोगों ने लॉन बॉल्स वुमेंस फोर्स में गोल्ड जीता है। 17th नंबर पर आते हैं शरद कमाल, सत्यान, हरमीत, सुनील और इन्होंने सारे ने टेबल टेनिस मेंस में टीम एज ए टीम में गोल्ड लिया है। 18th नंबर पे आते हैं सुधीर, पावर लिफ्टिंग मेंस में हैवी वेट में इन्होंने गोल्ड लिया है। 19th नंबर पे आते हैं भाविन जो कि टेबल टेनिस वुमेन्स सिंगल क्लासिक 3-5 में गोल्ड लिया है। उसके बाद आते हैं पॉल जो कि मेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड लिया है। 21वें नंबर पे आते हैं शरद और श्रीजल जो कि टेबल टेनिस मिक्स टीम में इन्होंने गोल्ड लिया है। और लास्ट में हमारा 22वां मेडल जो कि आता है सात्विक एंड चिराग की तरफ से बैडमिंटन मेंस डबल में। ये सारे 22 लोगों ने 22 गोल्ड मेडल जिलाए हैं इंडिया को। अब बात करते हैं सिल्वर मेडल्स की। सबसे पहला आता है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जो कि इंडिया के लिए इन्होंने सिल्वर लिया है। दूसरे नंबर पे आते हैं आशु मलिक जो कि रेसलिंग वुमेन्स फ्री स्टाइल में 57 kg में इन्होंने सिल्वर लिया है। थर्ड आते हैं मुरली जो कि मेंस लॉन्ग जंप में इन्होंने सिल्वर लिया है। फोर्थ नंबर पे आती है बैडमिंटन मिक्स टीम जो कि इंडिया की तरफ से इन्होंने भी सिल्वर लिया है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं शरद कमाल एंड जी सत्यान जो कि टेबल टेनिस मेंस डबल में सिल्वर लिया है। सिक्स नंबर पे आते हैं विकास थरू जो कि वेट लिफ्टिंग में मेंस 96 kg में इन्होंने सिल्वर लिया है। सेवन्थ नंबर पे आते हैं सुशीला जो कि जूडो वुमेन्स में 48 kg में सिल्वर लिया है। एट नंबर पे आते हैं बिंदिया रानी देवी जो कि वेट लिफ्टिंग वुमेन्स में 55 kg में इन्होंने सिल्वर लिया है। नाइन्थ नंबर पे तुलिका मान जो कि जूडो वुमेन्स में 78 kg में इन्होंने सिल्वर लिया है। टेंथ नंबर पे आते हैं संकेत सरगर जो कि वेट लिफ्टिंग मेंस में 55 kg में इन्होंने सिल्वर लिया है। 11th नंबर पे आते हैं अविनाश साबले जो कि मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस में इन्होंने सिल्वर लिया है। 12th नंबर पे आते हैं प्रियंका गोस्वामी जो कि वुमेन्स 10 किलोमीटर रेस वॉक में इन्होंने सिल्वर लिया है। 13th नंबर पे आते हैं लॉन्स बॉन्स मेंस फोर्स की पूरी टीम जो कि इन्होंने सिल्वर लिया है। 14th नंबर पे आते हैं अब्दुल्ला अबूबकर जो कि मेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने सिल्वर लिया है। 15th नंबर पे आते हैं सागर, बॉक्सिंग मेंस सुपर हैवी वेट में इन्होंने सिल्वर लिया है। 16th नंबर पे आते हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम जो कि इन्होंने भी इंडिया के लिए सिल्वर लिया है। टोटल मिला के इंडिया के लिए 16 सिल्वर हो चुके हैं। अब बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल के बारे में। सबसे पहला गुरुराज पुजारी वेट लिफ्टिंग मेंस 61 kg में ब्रॉन्ज लिया है। विजय कुमार यादव जूडो मेंस 60 kg में इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है। हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग वुमेन 71 kg में ब्रॉन्ज लिया है। लवप्रीत सिंह
वेट लिफ्टिंग मेंस 109 केजी में इन्होंने ब्रॉन्ज लिया है। सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश मेन सिंगल में इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है। कुलदीप सिंह वेट लिफ्टिंग मेंस 109 प्लस केजी में इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है। तेजस्विन शंकर जो कि मेंस हाई जंप में इन्होंने ब्रॉन्ज लिया है। दिव्या ककरान जो कि रेसलिंग वुमेन्स में 69 केजी में इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है। मोहित ग्रेवल रेसलिंग मेंस 125 केजी में इन्होंने ब्रॉन्ज लिया है। जैस्मिन जो कि बॉक्सिंग वुमेन्स लाइट वेट 60 केजी में इन्होंने ब्रॉन्ज लिया है। पूजा गहलोत जो कि रेसलिंग फ्री स्टाइल वुमेन्स में इन्होंने 57 केजी में ब्रॉन्ज लिया है। पूजा सिहाग रेसलिंग फ्री स्टाइल वुमेन्स में 76 केजी में ब्रॉन्ज लिया है। हुसामुद्दीन मेंस बॉक्सिंग फेदर वेट में इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है। दीपक नेहरा रेसलिंग फ्री स्टाइल मेंस में 97 केजी में इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है। सोनाल बेन पटेल जो कि पैरा टेबल टेनिस वुमेन्स सिंगल क्लासिक में 3-5 में इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है। रोहित टोकास जो कि बॉक्सिंग मेंस रेसलिंग में 67 केजी में इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज लिया है। संदीप कुमार मेंस जो कि 10,000 मीटर रेस वॉक में इन्होंने भी जो है ना ब्रॉन्ज लिया है। अन्नू रानी जो कि वुमेन्स जॉयलिन थ्रो में भी इन्होंने ब्रॉन्ज लिया है। सौरभ घोषाल एंड दीपिका पल्लिकल ने भी स्क्वैश मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज लिया है। किदाम्बी श्रीकांत ने बैडमिंटन मेंस सिंगल में ब्रॉन्ज लिया है। गायत्री एंड त्रिशा ने मिलकर दोनों में बैडमिंटन वुमेन्स डबल में भी ब्रॉन्ज लिया है। जी सत्या ने भी टेबल टेनिस में मेंस सिंगल में ब्रॉन्ज लिया है। तो टोटल ब्रॉन्ज के 23 मेडल्स होते हैं। तो ये थे सारे इंडिया के कॉमनवेल्थ 2022 में जीते हुए सारे मेडल्स की डिटेल, जिसमें गोल्ड शामिल है 22, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। तो इंडिया ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो होप करते हैं आगे आने वाले साल में ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा और आगे इंडिया नंबर 1 पे आ जाए ये गोल्ड मेडल जीतने के मामले में। तो होप करता हूँ आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो यार, इंडिया ने इतने सारे मेडल्स जीते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।